यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ओटोहाना के गांव पृथला में ग्रामीण ने रोडवेज की हड़ताल के समर्थन करते हुए गांव के बस स्टैंड पर धरना लगा दिया। इस धरने में ग्रामीणों ने सरकार के विरोध में डटकर नारेबाजी की। गांव वालों ने निजी बसों को वापस लौटा दिया और गांव वालों का कहना है कि मुख्यमंत्री हरियाणा में रोडवेज हड़ताल को फेल करने के लिए यूपी से बसें मंगवा रही है। हरियाणा में बस चलेगी तो सरकारी ही चलेगी, अगर यूपी की बसें हरियाणा में चलानी है तो वोट मांगने भी यूपी में चले जाना। हरियाणा रोडवेज खटर मर गया, खटर मर गया, हरियाणा सरकार। तो लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं। पृथला की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीण अब्रोश में उतर आए हैं। उनका साफ कहना है कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था के दौरान उत्तर प्रदेश से बसें मंगवाई गई तो ये माने नहीं होगा, ग्रामीणों के लिए सरकारी बसें ही चलाई जाए और अगर सचमुच वहां पर बसें चला दी गई तो वो वोट भी यूपी से जाकर ही मांगे। यूपी से बसें मंगवाई जा रही, राजस्थान से बसें मंगवा रहे खटर मनोहरलाल खटर मुख्यमंत्री, तो वो वोट लेने भी वहीं चले जाए फिर क्या दिक्कत है? कल को वो हरियाणा में वोट मांगने ना, इसलिए कि वो गांव पृथला से वोट ले लेंगे या हरियाणा की जनता से वोट ले लेंगे। अगर रोडवेज चलेगी, हरियाणा रोडवेज चलेगी तभी हम उनको वोट देंगे, नहीं वरना नहीं मिलेंगे। तो यूपी से बसें मंगवा रहे हैं, राजस्थान से बसें मंगवा रहे हैं, तो वो राजस्थान में जाके इलेक्शन लड़े, हरियाणा को उनको वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे।